कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंडरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुनहानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्म भूमृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम्, वंदे तद्गुणलब्धये। निःशल्यो व्रती बोलिए। निःशल्यो व्रती, व्रती शल्य रहित होता है। शल्य किसे कहते हैं? जो कांटे की तरह निरंतर चुभती रहे, निरंतर दुख देती रहे, उसे कहते हैं शल्य। व्रती कैसा होता है? व्रती शल्य रहित होता है। निःशल्यो व्रती अर्थात व्रती शल्य रहित होता है। शल्य कितनी होती हैं? आचार्यों ने शल्य तीन कही हैं, माया, मिथ्या और निदान। माया, अगर ठगने की प्रवृत्ति हो और उसलिए व्रतों को धारण किया हो, उसके माया शल्य होती है। जैसे एक उदाहरण पहले आपने प्रथमान योग में पढ़ा सुना होगा कि कोई चोर था, वो किन्हीं सेठ जी के मंदिर का छत्र चुराना चाहता था, तो उसने छुल्लक का वेश धारण कर लिया। अब छुल्लक का वेश धारण किया, पर किया किस लिए था? छत्र चुराने के लिए। ये माया शल्य है। ऐसे जीव के निरंतर ये बात चुभती रहती है कि कोई मुझे पकड़ तो नहीं पा रहा, मेरी चर्या ठीक तो है ना, सब लोग मुझे बिल्कुल छुल्लक मान तो रहे हैं ना, ऐसी प्रवृत्ति जो रहती है माया शल्य है। ऐसा व्यक्ति व्रतों का पालन क्या करेगा और क्या उसकी प्रवृत्ति अच्छी होगी? माया शल्य। दूसरा मिथ्या शल्य। मिथ्या का मतलब श्रद्धांत तो नहीं है, किंतु अन्य कारणों से अगर व्रतों को धारण किया है, क्या बताएं, फंस गए, वो तो इनकी देखा देखी हमें व्रतों को धारण करना पड़ा, व्रतों के धारण करने से कोई फायदा थोड़ी है, श्रद्धान नहीं है फिर भी व्रतों को धारण कर लिया है, तो वो शल्य निरंतर चुभती रहेगी, वो होती है मिथ्या शल्य। एक होती है निदान शल्य। निरंतर मैंने व्रतों को धारण इसलिए किया है कि इस समय, इस जन्म में मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, चारों ओर मेरा नाम हो जाए और अगले जन्म में मुझे स्वर्ग मिले। जिनके ऐसे निरंतर परिणाम हैं उनकी होती है निदान शल्य। व्रती कौन होता है? जिसके इन तीनों में से एक भी शल्य ना हो। पंडित जी साहब, ऐसा सुनते हैं कि बाहुबली भगवान जब भरत को छोड़कर के तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनके मन में कोई शल्य थी क्या कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, तो क्या वो व्रती नहीं थे? ऐसा नहीं, आदि पुराण आप पढ़ें, ये प्रसंग सही नहीं है। उनके मन में कोई शल्य नहीं थी, उनके मन में केवल एक प्रकार का दुख था, संताप था, मैंने भरत के साथ युद्ध क्यों किया, मुझे युद्ध करना ही नहीं था, इतना सिर्फ संताप था और कुछ नहीं। शल्य नहीं, वे तो सर्वार सिद्धि से आए हुए थे, महान मुनि महाराज थे, महान सम्यक दृष्टि थे, उनके बारे में ऐसा सोचना ही ठीक नहीं। वे निःशल्य रहित, शल्य रहित थे बिल्कुल। व्रती कितने प्रकार के होते हैं? अगले सूत्र में कहा गया है,
अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, बोलिए अगार्य नगारश्च। व्रती दो प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगार। अगार कहते हैं घर को, जिनका घर होता है वे हैं अगारी, और जिनका घर नहीं होता उन्हें कहते हैं अनगार। या हम ये भी कह सकते हैं एक श्रावक और एक मुनि, दो तरह के व्रती होते हैं, अगारी और अनगार। सूत्र का अर्थ देखें, अगार्य नगारश्च, अर्थात व्रती दो प्रकार के होते हैं, अगारी जिनका घर होता है, अनगार जो घर छोड़ चुके होते हैं, अर्थात श्रावक और मुनि। इस तरह दो प्रकार के व्रती होते हैं। जो अणुव्रतों को धारण करते हैं वे श्रावक होते हैं, जो महाव्रतों को धारण करते हैं वे मुनि होते हैं। पंडित जी साहब, यदि किसी ने घर छोड़ दिया हो पर घर से ममत्व भाव को ना छोड़ा हो तो वो अगारी है या अनगारी? एक होता है द्रव्य घर, एक होता है भाव घर। उसने द्रव्य घर तो छोड़ दिया पर अभी भाव घर नहीं छोड़ा, ममत्व तो उसके है, इसलिए अभी वो अगारी ही माना जाएगा। अनगार कैसे माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। हमने दो माला का और पूजा का नियम लिया है तो हम व्रती माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? सातवें अध्याय का पहला सूत्र क्या था? हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम और देश सर्वतोणु महति। पांच पापों का एक देश त्याग करने वाला अणुव्रति सर्वदेश त्याग करने वाला महाव्रति है। आपने पांचों पापों के त्याग का नियम नहीं लिया, इसलिए आपकी संज्ञा वृत्ति में नहीं आएगी। आपने ये नियम लिए हैं, ये प्रतिज्ञा ली हैं, इनसे आपको पुण्यबंध होगा, ये ठीक है, लेकिन वृत्ति आप नहीं कहलाएंगे। वृत्ति तो जब कहलाएंगे जब पांचों पापों का स्थूल या पूर्ण रूप से त्याग किया जाएगा। श्रावक कैसा होता है? अगले सूत्र में आचार्य ने कहा है अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी, बोलिए अणुव्रतोगारी। अगारी माने श्रावक, श्रावक कैसा होता है? अणुव्रती होता है, अर्थात वह पापों का एक देश त्याग करने वाला होता है। कैसे? जैसे अहिंसाणुव्रत धारण किया है। अहिंसाणुव्रत में हिंसा चार प्रकार की होती है, संकल्पी, उद्यमी, आरंभी और विरोधनी। इन चारों प्रकार की हिंसा में उसने संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, अन्य तीन को करना नहीं चाहता पर मजबूरी में करता है। व्यापार करता है, घर गृहस्थी का आरंभ करता है, कोई उसके ऊपर अगर मारपीट दंगा करे तो अपना बचाव भी करता है, लेकिन उसने क्या नियम लिया है? मैं त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा जीव कहलाता है अहिंसानुवृत्ति। जिसने स्थूल झूठ बोलने का त्याग कर दिया हो उसे कहते हैं सत्यानुवृत्ति। जिसने स्थूल चोरी, किसी की जेब से रुपए निकाल लेना, चोरी डकैती करना आदि का नियम त्याग कर दिया है आजीवन, वह होता है अचौर्यानुवृत्ति। ब्रह्मचर्यानुवृत्ति वो होता है जो अपनी स्त्री के अलावा से समस्त स्त्रियों में माँ, बेटी और बहन का भाव रखता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्यानुवृत्ति। और जिसने अपने परिग्रह की सीमा बना ली हो, मैं इतने मकान, इतना रुपया, इतना गल्ला, इतने वाहन आदि रखूँगा, वो कहलाता है परिग्रह परमाणुवृत्ति। इस तरह जो अणुव्रतों को धारण करते हैं वे कहलाते हैं अगारी, और अणुव्रतों का धारण प्रतिमाओं के हिसाब से आगे आगे बढ़ते बढ़ते छुल्लक एलक तक वहाँ अणुव्रतों का धारण होता है। प्रश्न है, कोई जीव पांच अणुव्रतों को धारण कर ले तो क्या वह व्रति श्रावक की कोटि में आएगा? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, वह पांच अणुव्रतों के साथ तीन गुणव्रत और सात चार शिक्षाव्रत को धारण करने वाला भी होता है।
अर्थात इन 12 व्रतों को धारण करे, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, तब उसे संज्ञा मिलती है व्रती। कौन कौन से गुणव्रत शिक्षा व्रत हैं? अगला सूत्र देखते हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोष्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। सामायिक प्रोष्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बोलिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोष्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। मैंने जो 5 अणुव्रत लिए हैं, ये 5 अणुव्रत अच्छी तरह पालन हो, इन 5 व्रतों में और क्वालिटी अच्छी बने और उत्तम कोटि के प्राप्त हों, इसलिए वह 3 गुण व्रतों को धारण करता है। गुण व्रत किन्हें कहते हैं? जो अणुव्रतों में और गुण प्रदान करते हों, विशेषता प्रदान करते हों। 5 पाप जो स्थूल रूप से त्यागे हैं, अगर गुण व्रतों को धारण कर लिया जाएगा तो उनका पालन और अच्छी तरह हो जाएगा। पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। क्या करता है वह जीव जो अणुव्रति है? वो है 10 दिशाओं में 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊपर और नीचे आने जाने का जीवन पर्यंत के लिए नियम कर लेता है। मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, इतना ऊंचा और इतने नीचे तक जाऊँगा, इसके आगे गमन नहीं करूँगा। इससे क्या होता है कि नियम के अंदर के अलावा जो बाहर है ना, उसकी अपेक्षा वो एक तरह से पूर्ण व्रति हो जाता है। ये ऐसा करने से उसके जो अणुव्रत हैं उनको और सहायता और परिपुष्टता मिलती है, उत्कृष्टता मिलती है। इसलिए पहला हुआ गुणव्रत दिग्व्रत, 10 दिशाओं में आने जाने का जीवन पर्यंत के लिए नियम बना लेना। देश व्रत, दिग्व्रत तो आजीवन लिया था, अब उसी दिग्व्रत के अंदर कुछ समय के लिए छोटे छोटे व्रत ले लेना। मान लीजिए मैंने नियम लिया, मैं भारतवर्ष से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मैंने नियम ले लिया 10 लक्षण पर्व में मैं सांगानेर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये मेरा हुआ देश व्रत। देशव्रत अर्थात दिग्व्रत के अंदर, दिग्व्रत की मर्यादा आजीवन, दिग्व्रत के अंदर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए छोटा व्रत ले लेना, उसका मतलब होता है देशव्रत। तीसरा होता है अनर्थ दंडव्रत। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता लेकिन पाप बंद हो जाता है, ऐसे कार्यों को वो छोड़ देता है। जैसे खोटा ध्यान, अपद ध्यान। अपद ध्यान का मतलब उसका बुरा हो जाए, उसके आग लग जाए, उसकी दुकान बंद हो जाए, उसका बेटा मर जाए, ये हार जाए, ये जीत जाए, ऐसे परिणाम क्यों करे? इससे कुछ होना तो है नहीं। जैसे खोटी कथाओं का सुनना, दुश्रुति। क्यों सुने? क्यों फिल्म आदि देखे? क्यों उपन्यास वगैरह पढ़े? इससे अपना कुछ लाभ तो है नहीं। प्रमादचर्या, बैठे ठाले पेड़ की पत्ती तोड़ने लगे, जमीन खोदने लगे, नल खुला छोड़ दिया, पानी तमाम फैल रहा है, ऐसी क्रिया क्यों करे? इस तरह पापोपदेश, अन्य जीव को पाप का उपदेश क्यों दे? तुम ये खाया करो, तुम ये पिया करो, तुम इस व्यापार में ये काम और कर लो, ऐसा काम क्यों करे? ये ऐसे कार्य हैं जिनसे अपना कुछ मतलब तो बनता नहीं लेकिन पाप बंद होता है। अनर्थ दंड, अनर्थ का मतलब जिनसे अपना कोई अर्थ सिद्ध ना होता हो फिर भी दंड और लग जाए, इनको छोड़ने वाला होता है। सूत्र देखिए, सूत्र में तीनों शब्दों में विरति लगानी है। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, ये हो गए 3 गुणव्रत।
अब इसके बाद आते हैं चार शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किन्हें कहते हैं? जिनके पालने से मुनि धर्म की शिक्षा मिलती हो, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता हो, उन्हें कहते हैं शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत चार होते हैं। पहला सामायिक शिक्षाव्रत, वह व्रति श्रावक वह सुबह और शाम दिन में दो बार कम से कम दो घड़ी आत्मचिंतन करता है। एकांत स्थान में बैठकर निर्विकल्प होकर आत्मचिंतन करता है। इससे क्या होता है? व्रतों के पालन में दृढ़ता मिलती है और आगे जिन कार्यों में उलझा हुआ है उनको भी छोड़ने का उसको प्रोत्साहन मिलता है। इनको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्या बढ़ना है? मुनि बनना है। तो मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले होते हैं शिक्षाव्रत। दूसरा होता है प्रोस्थोवास व्रत। वह क्या करता है श्रावक? वह अष्टमी चतुर्दशी आज जो महीने के चार पर्व होते हैं उन चार पर्वों में अष्टमी चतुर्दशी को पूरा उपवास रखता है और उससे पहले और अगले दिन एक आसन करता है। अर्थात सप्तमी को एक आसन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एक आसन, इसी तरह चतुर्दशी को करता है। ये चार शिक्षाव्रत एक महीने में होते हैं। तीसरा भोगोपभोग परिमाण या उपभोग परिभोग परमाणानुव्रत। अर्थात परिग्रह परमाणुव्रत जब लिया था अणुव्रतों में, तब अपने परिग्रह की सीमा बना ली थी। उसमें भी अब जो अपने काम में नहीं आता उसको क्यों रखूं, उसे भी हटाऊं ना। तो वो क्या करता है? नित्य 17 प्रकार के नियम लेता है। मैं आज इतने वस्त्र पहनूंगा, उसने अपने नियम में तो लिखा है मैं 3 टोपी रखूंगा, पर उपभोग परिभोग प्रमाण व्रत में वो नियम ले लेता है आज 1 टोपी पहनूंगा और नहीं, आज 1 धोती कुर्ता पहनूंगा और नहीं, आज मैं सवारी में चढ़ूंगा या नहीं, स्नान कितनी बार करूंगा, तेल कितनी बार लगाऊंगा, कितनी बार खाऊंगा, कितनी बार पीऊंगा, आदि सबका वो नियम ले लेता है। इससे क्या होता है? जो सीमा बनाई थी उस सीमा में भी और छोटा हो जाने के कारण उसको भी समाप्त करके मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। और चौथा होता है अतिथि संविभाग व्रत। अपने लिए जो भोजन बनाया है उस भोजन में से यदि कोई व्रति आ जाए, कोई वहाँ मुनि महाराज पधार जाए तो कितना अच्छा हो। तो वो क्या करेगा? भोजन बन जाएगा 10:30 बजे पहले वो द्वारापेक्षण करता है, क्या कोई मुनि महाराज पधारे हैं क्या, कोई नहीं पधारे, कोई छुलक महाराज वगैरह हैं क्या, कोई नहीं है। तो किसी व्रति को, किसी अवृति सम्यक दृष्टि को पहले भोजन कराऊं फिर स्वयं भोजन करूं। अपने भोजन आदि में से वह उचित विभाग करता है। किसके लिए? अतिथि के लिए। इसे हम कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। और जब वह भोजन कर लेता है पहले खूब अच्छी तरह बड़े स्नेह से भोजन कराएगा, उसके बाद स्वयं भोजन करता है। अगर कोई अतिथि वगैरह ना हो, आजकल तो मुनि महाराज सब जगह तो मिलते नहीं, तो अगर कोई मुनि महाराज या व्रति नहीं आने वाले हों तब क्या करेगा? तब भोजन करने बैठेगा भोजन की बेला टाल कर, लगभग 10:30-11 बजे भोजन करेगा और भोजन करने से पहले चिंतवन करके बैठेगा। मध्यलोक में जितने भी मुनिराज, आरिका माताजी, छुल्लक एलक और व्रति हैं, आज मेरे भाग्य में तो कोई व्रति मेरे यहाँ नहीं पधार सका, पर मेरी भावना है उन सबका निरंतराय आहार हो। ऐसी भावना करके फिर आहार ग्रहण करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके अतिथि संविभाग व्रत होता है। सूत्र में क्या लिखा है? उपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अर्थात वह व्रती श्रावक जो है इन 7 से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों से भी संपन्न होता है।
इनसे भी संपन्न होना, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों को धारण करना है और इस तरह वह श्रावक 12 व्रतों का धारी कहलाता है। सामायिक करने वाले श्रावक को उस समय के लिए आचार्यों ने मुनि के समान कहा है, चेलो पर सृष्ट मुनिरिव, तो क्या उस समय उस श्रावक का गुणस्थान छठा सातवा माना जाएगा? उस समय गुणस्थान उसका पांचवा ही रहेगा। आचार्यों ने कहा है उपचार से मुनिवत है। उपचार किसे कहते हैं? मुनि नहीं है पर मुनि जैसा है, तो मुनि जैसा होने के कारण, उपचार से महाव्रती तुल्य होने के कारण उसको कहा है उपचार से महाव्रती, लेकिन वास्तव में गुणस्थान पांचवा ही रहेगा। इस सूत्र में एक शब्द और ध्यान देने योग्य है, उपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यहाँ च क्यों दिया? च का मतलब होता है वह अंतिम समय में संलेखना करने वाला भी होता है। उस च को आचार्य ने स्वयं अगले सूत्र में व्याख्या कर दी है। देखिए, मारणांत किम संलेखनाम जोशिता, मारणांत किम संलेखनाम जोशिता, बोलिए मारणांत किम संलेखनाम जोशिता। मारणांत किम अर्थात मरणांत उपस्थित हो जाने पर, जब ये विश्वास हो जाए अब ज्यादा समय जीवन शेष नहीं है, तो ऐसे मरणांत उपस्थित होने पर संलेखनाम संलेखना को जोशिता प्रीति पूर्वक बड़े प्रयत्न पूर्वक बड़े उत्साह पूर्वक धारण करने वाला होता है। वो क्या सोचता है? मैंने जीवन भर जो भी धार्मिक कार्य संपन्न किए, अपनी इस पर्याय का मैंने जो भी अच्छा काम में लगाने का कार्य किया, अब उसकी परीक्षा का समय आया है, अब मरणांत उपस्थित है, अतः मैं विधिवत संलेखना करूंगा। कोई व्यक्ति कोमा में आ गया हो और अंत समय में अगर उसके कपड़े उतार दिए जाएं, तो क्या उसकी संलेखना मानी जाएगी? वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है, क्या माने? आप खुद सोचो, हमसे क्यों पूछते हो? अंतिम समय उसका हो चुका, अब उसको ज्ञान नहीं रहा, विवेक नहीं, समझ नहीं, अब उसको चाहे कपड़े उतारो, उसके परिणामों में क्या अंतर आना? होना क्या चाहिए? जब अंतिम समय निकट आ जाए, मान लो किसी जीव को कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया अब आप ला इलाज है, 10-5 दिन का जीवन है, आपको जो करना है वो करें, तुरंत निरापकाचार्य के पास जाएं और उनसे कहें भगवान अब मेरा समय थोड़ा रह गया है, मुझे मुनि बना दो। सुना है हमने और पढ़ा भी है कि जब तक वह जीव मुनि अवस्था धारण करने के बाद स्वयं 2 दिन तक आहारचर्या करने न जाए, उसकी मुनि अवस्था में समाधि मानी ही नहीं जाएगी। कम से कम 2 दिन उसे खुद अपना केश लोच करना चाहिए और 2 दिन उसे चर्या करनी चाहिए, आहार लेने स्वयं जाएगा तब मानी जाएगी। व्रत और नियम दिलाए जाते हैं जब होश आवास ठीक हो। जब होश ही नहीं है, आप उसका केस लॉन्च कर दें, कपड़े उतार दें, उससे क्या फर्क पड़ना है? फिर भी नुकसान तो नहीं है ना, मतलब हो सकता है इस बहाने से उसके कोई परिणामों में वैराग्य आ जाए, अतः करने में आपत्ति नहीं, पर यह उचित तो नहीं है, पहले ही ये कार्य होना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वृत्ति 2 प्रकार के, श्रावक और मुनि। श्रावक जो होते हैं और मुनि जो होते हैं शल्य रहित होते हैं। श्रावक 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रतों का धारण करने वाला होता है और मरणांत उपस्थित होने पर संलेखना करने वाला होता है। हम और आप सभी गृहस्थ हैं, भावना तो ये रखें कि हम कब मुनि या आरिका बने, और यदि इतना नहीं हो पाए तो कम से कम अपना जीवन व्रतपूर्वक संयम पूर्वक थोड़ा बहुत तो गुजारें, और ये भावना रखें अंत समय संलेखना करनी ही है। अपने घर में सब बच्चों से बड़ों से कह के रखें मुझे अंत समय नर्सिंग होम नहीं ले जाना, जब मेरा अंतिम समय आए तो उन महाराज या उन माताजी के पास ले जाकर मेरी समाधि करा देना,
और स्वयं मरणांत से पहले उनके पास जाके समाधि ले ले। भावना ऐसी करें आप भी और मैं भी कि हमारी अंत समय विधि पूर्वक संलेखना हो। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंडरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेली बाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुनहानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली।